फिर जब किडनी पे असर आ जाता है तो हमारे अंदर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आ जाती है, और जब ये गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस तरह से सिर्फ एक चक्र के बिगड़ने से कितनी शारीरिक व्यथाएँ हमारे अंदर आ सकती है, यह आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई कोई चक्र ऐसे हैं कि जो हमारे मन को देखते हैं, जब वो चक्र खराब हो जाते हैं तो हमें मानसिक तकलीफें हो जाने लग जाती है, लोग पागल हो जाते हैं, लोगों में मानसिक विकृतियां आ जाती हैं, डिप्रेशन आ जाते हैं। लेकिन एक बात को समझना चाहिए कि ये परमात्मा का कार्य है, इसमें कोई पैसा ऐसा नहीं ले सकता है। अगर कोई गुरु आपसे पैसा लेता है तो वो आपका नौकर है, आपका गुरु हो ही नहीं सकता। किसी भी गुरु को पैसा देना बहुत गलत बात है, और गुरु कभी भी आपसे पैसा नहीं लेगा। अगर जो गुरु आपसे पैसा लेता है तो समझ लेना चाहिए कि ये गुरु कभी अगुरु है। हमारे यहाँ अनेक वर्णन है कि संत कौन है और असंत कौन है, गुरु कौन है, अगुरु कौन है, कुगुरु कौन है। लेकिन हम लोग इस कदर अंधश्रद्धा में बह जाते हैं कि कोई भी आदमी जेल से छूट के आए और भगवा वस्त्र पहन करके खड़ा हो जाए तो हम उसके चरणों में जाना शुरू कर जाए, वो आके रास्ते पर बैठ जाए तो हम सोचते हैं कि संत साधु। एक ही लक्षण बताया गया है कि साहिब मिली है सो ही सदगुरु, जो परमात्मा से मिलाता है वही सदगुरु है। और सहयोग में तो आप अपने स्वयं के ही गुरु हो जाते हैं, क्योंकि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने से आपका आत्मा ही प्रकाशित करता है आपके चित्त को, और आप सब सत्य को समझने लग जाते हैं। आपके हाथ से चैतन्य की लहरियां बहने लग जाती हैं। इस चैतन्य की लहरियों में 5, 6 और 7 चक्र आपके राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में, फिर इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसे 7 चक्र आपके हाथ में दिखाई देते हैं। जिस वक्त आप किसी के और अपने हाथ करें तो आप फौरन समझ जाएंगे कि इस आदमी के अंदर कौन सा चक्र खराब। फिर आप अपने बारे में भी सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके अंदर कौन से चक्र खराब है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में आपके नसों पर एक नया आयाम, एक डायमेंशन नया तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहा गया हुआ है। यह सामूहिक चेतना में दूसरा कोई रह नहीं जाता, आप दूसरों को भी महसूस करने लग जाते हैं। जैसे कि एक विराट के अंदर हम एक छोटे से कोई हैं, अणु रेणु कहिए, या एक बड़े भारी एक विशाल ऐसे समुद्र में हम एक बूंद मात्र हैं, पर फिर हम समुद्र में एक बूंद से समुद्र ही हो जाते हैं जब हम पूरी तरह से घुल जाते हैं। इसी तरह से आप इस सामूहिकता में इस तरह से घुल जाते हैं कि आप हर एक आदमी को जान सकते हैं कि उसके कौन से चक्रों में दोष है। फिर अगर आप ये समझ लें कि ये दोषों को हम किस तरह से ठीक करें, इसका गहरा सा ज्ञान आपको आ जाए तो आप स्वयं ही एक गुरु हो जाते हैं, अपने अंदर भी और बाहर भी। लेकिन इसके लिए आपको संसार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, उपास तपास वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस लिए किया था वो सब हो गया। जिस चीज़ के लिए आप सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, मेहनत करती रही, जब वो आप अंदर मंजिल में आ गए तो अब आप क्यों सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं? उसके बाद आपको कोई भी ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप हो गए, आप हो गए। जब मस्त हुए फिर क्या बोले। इस प्रकार सबने इसका वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से पार उतर गए संत जनारे। अनेक वर्णन संतों ने किए हुए हैं कि आप इस चीज़ को प्राप्त करें और इसमें आप आनंद को भोगें। परमात्मा चाहते हैं कि आप आनंद को भोगें, वो देना चाहते हैं आपको आनंद, और ये आनंद का स्रोत आपका अपना आत्म तत्व है। बाहर से नहीं, किसी दूसरे से नहीं, अपने ही आत्म तत्व से आप इस आनंद को प्राप्त करते हैं और सत्य को जानते हैं। जो सत्य एकमेव सत्य है, अभी तो सत्य हजार तरह के हैं, कोई कहता ये ठीक है, वो कहता वो ठीक है, किंतु एकमेव सत्य आप जानते हैं जब आप हाथ में ही सब चीज़ जान लेते हैं। 10 आदमी भी आप खड़े कर दीजिए जो सहयोगी हैं, और उनकी आंखें बांध दीजिए, किसी आदमी के लिए पूछे इनको क्या तकलीफ है, सब लोग एक ही बात कहेंगे, क्योंकि आप उंगलियों पे वही चीज़ महसूस करेंगे जो इस आदमी में है। तो इसलिए आप एकमेव सत्य को जानते हैं और उस आनंद को प्राप्त करते हैं, जो कहा जाता है कि आत्मा ये आनंद का स्रोत है, ये सिद्ध होता है। परमात्मा है या नहीं ये भी सिद्ध हो सकता है। समझ लीजिए आप ऐसे हाथ करके पूछे कि परमात्मा है या नहीं, एकदम से आपके हाथ में चैतन्य की ठंडी ठंडी लहरें आने लग जाएंगी। और अगर आप किसी गलत आदमी के लिए पूछे कि ये आदमी सच्चा है, तो फौरन आपके हाथ में गर्मी आ जाएगी, कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि जैसे जलन सी हो रही।
इस तरह से आप हर सत्य को जान सकते हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि बहुत से डॉक्टर लोगों ने भी इस पर बड़ी मेहनत की है, और दिल्ली में दो डॉक्टरों को एमडी मिल गई, जहाँ पर कि उन्होंने ऐसे विषय, अस्थमा जैसा विषय और एपिलेप्सी और शारीरिक बहुत सारी और बातों पर रिसर्च किया है, और उस अनुसंधान में उनको एमडी की पदवी मिल गई। आज रशिया में भी बहुत ज़ोरों में कार्य होता है, 40 देशों में ये कार्य हो रहा है। और जो हमारा देश है, जहाँ पर कि शक्ति के हर जगह मंदिर खड़े हुए हैं, ये सारा शक्ति का कार्य है। परमात्मा तो सिर्फ सब तमाशा देख रहे हैं शक्ति का, वो तो देख रहे हैं कि आप लोग कहाँ तक ठीक चलते हैं और कहाँ तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। मेहनत तो सब शक्ति को ही करनी पड़ती है, और ये सारे अपनी शक्ति का, आदिशक्ति के इस प्रतिबिंब का कार्य है, जिसे हम लोग कुंडलिनी कहते हैं, जिसे आप लोग सब सहज में प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमसे एक दो सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ध्यान करते वक्त एकदम आपका चित्त उस तरफ नहीं जाना चाहिए कि मैंने ये सवाल नहीं पूछा, माँ से मैंने वो सवाल नहीं पूछा, क्योंकि विषय बहुत गहन है और बहुत विस्तार पूर्वक तरीके से मैंने हिंदी भाषा में ही न जाने कितने लेक्चर्स दिए, अंग्रेजी में भी हज़ारों लेक्चर दिए, मराठी में भी हज़ारों लेक्चर्स दिए, वो सब के टेप्स हैं, आप सब ले सकते हैं और उनको सुन सकते हैं। किंतु वो सब ज्ञान जानने से पहले मैं सोचती हूँ आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहिए। जैसे यहाँ हज़ारों बत्तियाँ लगी हुई हैं, और आप अगर चाहें तो हम कहेंगे अच्छा एक ये स्विच है, इसे दबाओ सारी बत्तियाँ जल जाएंगी। इसी प्रकार आपके अंदर आत्म प्रकाश जागृत हो सकता है। लेकिन अगर हम आपको बताने लगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कब बनी थी, ये कैसे आया, इसका सारा इतिहास बताएं, फिर जयपुर में कब आई, अब ये कहाँ से आ रही, तो ये तो सरदर्द की बात है। उससे अच्छा ये है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और उसी प्रकाश में हर एक चीज़ को देखें। और वैसे भी अंधकार में अगर कोई मनुष्य एक सांप को लेकर खड़ा हुआ है और उसे कहा जाए कि तेरे हाथ में सांप है, तो कभी नहीं सुनेगा, जिद में आ जाएगा, कहेगा नहीं ये तो मेरे हाथ में रस्सी है। पर जैसे ही प्रकाश आ जाएगा वो अपने आप ही छोड़ देगा उसे। उसी प्रकार आत्म प्रकाश आते ही मनुष्य अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता, उसका स्वभाव ही परिवर्तित हो जाता। तो ये सारे संसार के परिवर्तन का, उत्क्रांति का एक चरम लक्ष्य है, इसे प्राप्त करना है। और इसके लिए सबसे बड़ा हमारा देश जो है योग भूमि, महान योग भूमि का है, और इसमें आप बहुत ही योग्य लोग हैं जो पैदा हो सकते हैं। ऐसे वैसे लोग इस देश में पैदा नहीं हो सकते, इसलिए मैं कहती हूँ कि खासकर राजस्थान में तो विशेष रूप से शक्ति का इतना ज़्यादा मान है और लोग इतना मानते हैं, और नवरात्रि में ही मैं यहाँ पहुँची हुई हूँ। आशा है कि आज जयपुर के सब लोगों को ही, जहाँ यहाँ जो उपस्थित हैं, सब लोग इसे प्राप्त करेंगे और अपने आत्म साक्षात्कार को समझ करके, और आगे जो कुछ भी इसके ऊपर में समझाया जाएगा उसे समझ करके एक एक महान वृक्ष की तरह खड़े हो जाए। सहज में जैसे कि एक जीवंत प्रक्रिया होती है कि एक बीज को आप जमीन में छोड़ दीजिए, तो इस भूमि की मातृत्व के वजह से वो अपने आप ही अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार आपकी कुंडलिनी भी सहज में जागृत हो जाएगी, पर उसको वृक्ष बनाना मात्र आपके हाथ में है। आप सबको मैं वंदन करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। किंतु अगर आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें, क्योंकि ये स्वतंत्र कार्य है और किसी पे जबरदस्ती नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये भी है कि प्रश्न का उत्तर देने से, मैं उत्तर देने में बहुत होशियार हूँ, लेकिन उत्तर मिलने से भी आपकी कुंडलिनी जागृत होगी ये उसकी गारंटी नहीं, जिसकी होगी उसकी ही होगी। किसी को प्रश्न हो तो जरूर पूछें, उसका मैं जरूर उत्तर दूंगी, लेकिन उससे आपकी कुंडलिनी जागृत होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। सिर्फ ये है कि आपकी सबकी कुंडलिनी जागृत होना चाहिए, ये हमारी परम इच्छा है, और आपकी भी शुद्ध इच्छा यही होनी चाहिए कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए और हम इस योग को प्राप्त हों। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।